जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीती रात लाखों रुपए की कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार भी जब्त की है, जिससे आरोपी शराब की तस्करी करते थे। 17 बोरियों और 9 कार्टूनों में शराब भरकर ला रहे थे, जिसकी करीब 2,47,000 रुपए कीमत आकी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से शराब की तस्करी में लगे हुए थे और बाहर की शराब लाकर शहर में खपाते थे। सूचना के आधार पर संबंधित स्थान पर पहुंचे थे जो कशोधर नगर में इनका गोदाम है, वहां पहुंचे। वहां पर देखिए काफी मात्रा में नकली तैयार किया जा रहा है और खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर उनके द्वारा सैंपलिंग की गई थी। 26 जनवरी को उनकी एफआईआर है। तब से ये विजय टुकड़िया लगातार फरार चल रहे थे, काफी मिठड़ी लगा रखे थे इसके पीछे, क्योंकि बड़ी कार्रवाई थी और हमें अरेस्ट करना था। तो उसको बताया कि इसकी लोकेशन ग्वालियर में है और लोगों को दबी दिखाई गई, संबंधित व्यक्ति मिला। कल ही मेरे के द्वारा इसमें एनएसए की कार्रवाई की गई है और माननीय कलेक्टर मेरे के द्वारा वारंट निकाला गया है, जिसमें भी हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं।